हेलो दोस्तों, यू वेलकम टू फहीम व्लॉग। और आज मैं आपको बहुत एक काम की चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसका यूज़ क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर में कोई हार्ड डिस्क है, तो वो हार्ड डिस्क सपोज़ अगर वो 1 TB का है और आपके उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आपको वो अगर मोबाइल में यूज़ करना है या फिर लैपटॉप में यूज़ करना है तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ क्या होता है कि वो हार्ड डिस्क आपका साटा कनेक्टर होता है, उसके लिए उसको पावर सप्लाई करना पड़ता है, तो वो एक इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर में ही चलती है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है कि जो उस डिवाइस की हेल्प से तुम वो हार्ड डिस्क को तुम्हारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना सकते हो और मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, उसको पोर्टेबल यूज़ कर सकते हो और अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। तो सिर्फ डिवाइस मेरे पास ये डिवाइस है जिसका प्राइस सिर्फ 750 है, और मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। तो दैट इट इज़ वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूँ ये है हार्ड डिस्क, साटा की हार्ड डिस्क है। एक्चुअली इसमें टाइप होते हैं, अभी नॉर्मली सब साटा हार्ड डिस्क चल रहे हैं। यह है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो डेस्कटॉप में चलती है। और उसके बाद है मेरे पास एक पावर कनेक्टर, और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर एक एडेप्टर है, और एक है डेटा केबल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो हार्ड डिस्क है ये डेस्कटॉप में लगता है, यहाँ से इसको पावर दिया जाता है और यहाँ से इसमें डेटा केबल यूज़ होता है जो साटा वायर होता है। उसके बाद में ये मेरे पास डिवाइस है जो हमारी हेल्प करेगा कि ये इंटरनल हार्ड डिस्क को, ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क को, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को मैं जो USB यूज़ करूँगा लैपटॉप में, मोबाइल में या जहाँ पर भी मेरे को ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये डिवाइस है जिसके थ्रू मैं यूज़ करता हूँ इसको। तो मैं इसको पहले बाहर निकाल के आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऐसा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हार्ड डिस्क जो है इसमें ये पावर कनेक्टर है और ये साटा केबल है। आपको इसको ऐसा लेना है और यहाँ पर भी इसमें कनेक्टर दिए गए हुए हैं, कनेक्टर को लगाना है जो ये इसमें बराबर फिट हो जाए। ये कुछ ऐसा लगेगा, साटा में साटा और पावर में पावर कनेक्टर फिट हो जाएगा। जैसे ये फिट हो जाएगा आपको ये इसके अंदर डाल देना है। इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे स्क्रू लगने की जगह है, और सेम इसमें यहाँ पर भी स्क्रू आप लगा सकते हो। तो आप इसको इसमें ऐसा डाल दीजिए और डालने के बाद ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। ये फिट अच्छे से हो जाए आप उसके लिए यहाँ पर स्क्रू है जो इस... चलो स्क्रू बाद में आप लगा सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर ये कनेक्टर आपका बन चुका है, ये पावर ऑन ऑफ है। और उसके बाद में ये है डेटा केबल, ये डेटा केबल आपको इसमें लगाना है, यहाँ पर इसमें लगाने की जगह है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। और ये पावर कनेक्टर जो है ये आपको एडेप्टर में लगाना है, ये पावर आपका एडेप्टर में लग जाएगा। उसके बाद पावर देने के लिए यहाँ पर इसमें एक पावर पोर्ट है, पावर पोर्ट में आप पावर पोर्ट दे दीजिए। और उसके बाद ये जो आप USB देख रहे हो, ये USB OTG के थ्रू तुम मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। और ये इससे आपको देना है आपके डिवाइस को पावर, ये पावर देते ही ये चालू हो जाएगा। ये चालू होगा तो ये हल्का सा वाइब्रेट होगा लेकिन करंट नहीं लगाएगा। और इसको आप पावर देके एज ए USB आपकी कंप्यूटर डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क को एज ए कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो। चलो तो मुझे यकीन है कि आपको ये डिवाइस पसंद आया होगा। एक बार आप यूज़ करके देखिए तो आपको पता चलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है किसी किसी का डेस्कटॉप ख़राब हो जाता है या उसमें उस CPU ख़राब हो जाता है, तो वो लोग अपने हार्ड डिस्क, अगर किसी के पास ऐसा एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है तो उसको USB से यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सटर्नल डिवाइस बना सकते हैं। ये डिवाइस 750 का जैसे मैं बता ही चुका हूँ, तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।